हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर एफआरएम एंड आईडी को डिस्कस करेंगे, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी कि मानव संसाधन और अमानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, रिसोर्सेज हमें कैसे काम आते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट वन का, वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रबंध प्रक्रिया। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस अर्थात प्रबंध प्रक्रिया। देखिए, मैनेजमेंट का नाम आपने कई बार सुना है और प्रोसेस तो हम सुनते ही आए हैं, है ना। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है ना, यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, साथ ही साथ यह चेंजेबल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी परिवर्तन आते हैं, ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो यह किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की जब बात करते हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम होम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट प्रोसेस का उतना ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो वहाँ पर भी हमको यह बहुत काम आता है, है ना। वहाँ पर जितने भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क करते हो, तो इन सभी को करने के लिए भी आपको क्या होता है, एक मैनेजमेंट प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जिससे कि क्या है, पूरे घर का जो काम है वो एक सुनियोजित तरीके से चलता रहे। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी फैमिली की नीड्स होती हैं उनको भी इजीली फुलफिल किया जा सके। ठीक है, हम वहाँ पर भी कहीं चूक ना करें, तो इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिनका सामना करने के लिए, समस्याएँ आती है उनका समाधान करने के लिए, परिवार में जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वो चाहे आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकती चीज़ें। ठीक है, इन सभी को ठीक करने में काम आते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को ये सुधारने का काम करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे फैमिली गोल्स होते हैं ना, फैमिली गोल्स, इनको अचीव करने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और एक प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है, आयोजन की, नियंत्रण की और मूल्यांकन की ऐसी प्रोसेस होती है, उसको अपनाते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को वेस्ट भी ना करें और अपने लक्ष्य को अचीव भी कर लें। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आर रिसोर्सेज हम गोल्स को अचीव कर सकें, तो इसमें हमें मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत हद तक मदद करती है। ठीक है, अच्छा, अब मैनेजमेंट प्रोसेस आपका कैसा है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस बनाने वाला व्यक्ति है या मैनेजमेंट का काम करने वाला, देखने वाला व्यक्ति है, उसकी योग्यता कैसी है, रुचि कैसी है और उसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है यह पर्सन की इंटरेस्ट पर, क्वालिटीज़ के ऊपर, उसकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करके उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, ये भी बहुत हद तक इसमें मैटर करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की। ठीक है, इसको मुख्य रूप से 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें पहला हमारा आता है डिसीजन मेकिंग, जिसे हम कहते हैं निर्णय करना।
ठीक है, डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय करना। दूसरा हमारा इसमें प्रोसेस आता है वो है प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं आयोजन करना, ठीक है। तीसरा प्रोसेस आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग का, जिसे हम कहते हैं योजना का संगठन। फोर्थ आपका प्रोसेस इसमें आता है कंट्रोलिंग का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रियान्वयन का नियंत्रण। और फिफ्थ प्रोसेस हमारा इसमें आता है इवैल्यूएशन, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। यह मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जो प्रोसेस है यह इसी सीक्वेंस में बढ़ता हुआ आगे चलेगा। आप किसी भी एक स्टेप को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, अर्थात इवैल्यूएशन आप पहले नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइजिंग को आपको बाद में शिफ्ट नहीं करना है, या कंट्रोलिंग को आप पहले कर दें, डिसीजन मेकिंग को आप बाद में करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके स्टेप्स को ऊपर नीचे किया तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको यही सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले हम निर्णय लेना है, फिर हमें आयोजन करना है, फिर योजना का संगठन, फिर क्रियान्वयन का नियंत्रण, और अंत में मूल्यांकन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपने हमेशा रखना है। अब हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहला स्टेप जो है डिसीशन मेकिंग या निर्णय करना, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक परिवार के अंतर्गत कई प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। यह पर्सनल भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, या ग्रुप डिसीजंस हो सकते हैं, पर्सनल डिसीजंस हो सकते हैं, या ग्रुप या फैमिली डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हम किसके लिए लेते हैं? बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग है यह हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, उसका केंद्र बिंदु या सबसे पहला चरण वो यह होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे और आप सीधा यहाँ से अगर आप आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस को शुरू कर देंगे ना, तो आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहला और इनिशियल स्टेप जो है यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट प्रोसेस, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको इस पद्धति से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से उसको आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया है तो आप आगे सही से उसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है इसको अगेन 5 पार्ट्स के अंदर या 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। अगेन इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अर्थात जो आपकी समस्या है उसको पहचानना, समस्या को पहचानना और इसकी व्याख्या करना, राइट। यह पहला स्टेप होता है कि जिसमें क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है ना, इसको सबसे पहले पहचाना जाता है कि एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की है, ठीक है, इसके गुण और अवगुण क्या है, ठीक है। तो जब तक इसके गुण और अवगुण स्पष्ट नहीं होंगे ना, तब तक आप इसके लिए फिर जो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, इसके लिए जो आप ऑप्शन सर्च करेंगे वो आप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप आपकी प्रॉब्लम को समझें, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको सपोज पेट दर्द की प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को जाकर के अगर आप सीधे सामने बैठ जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर डायरेक्ट आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो क्या वह आपकी पेट दर्द की समस्या को ठीक कर सकता है? क्या जवाब होगा आपका? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसको सिम्टम्स नहीं बताए, आपने आपको
आपकी प्रॉब्लम उसको नहीं बताई और डॉक्टर ने भी आपसे आपकी प्रॉब्लम नहीं पूछी, तो वो इलाज या ट्रीटमेंट किस चीज़ का आपको दे रहे हैं, है ना। तभी तो ऐसा होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, हमारी प्रॉब्लम को या समस्या को ढूंढता है, उसको पहचानता है कि पेशेंट से पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, बीमार हो, आप मुझे बताइए। तो आप उसको बताते हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या हमें ये प्रॉब्लम है, या हमें पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, हमें स्नीजिंग है, या हमें कोल्ड कफ का इशू है, है ना। तो हम उनको हमारी समस्या बताते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम को वो सुनते हैं तो अब उसको देखते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, मैच करते हैं और फिर हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तभी तो हम ठीक होते हैं, तभी तो डॉक्टर की हम एक ही दवाई लेकर के, एक या दो डोज लेकर के भी हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए बिना अगर हमें मेडिकेशन दे दे तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे, है ना। इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है प्रॉब्लम का। सेकंड आता है हमारा स्टेप, वो है सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, है ना, जो विकल्प होते हैं उनकी खोज करना, विकल्प की खोज, ठीक है। जो अल्टरनेट्स होते हैं, अब जैसे आपको प्रॉब्लम पता चली, ठीक है, अब हम उसके अल्टरनेटिव भी तो ढूंढने हैं ना, जब तक कि अगर आप उसके अल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढोगे तब तक आप उसके लिए ना तो निर्णय ले सकते हो, ना आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो यह स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर विकल्प नहीं होंगे ना हमारे पास में तो हम चूज़ किसे करेंगे, हम सिलेक्शन किसका करेंगे, है ना। तो इसके लिए विकल्प बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो बेसिकली जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सर्च करने की जो प्रोसेस होती है, यह एक मेंटल प्रोसेस होता है या मेंटल वर्क होता है, ठीक है, मानसिक कार्य होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अगर बुद्धि रहित हो जाए, विवेक का यूज़ नहीं करे, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करे, तो वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकता है, है ना। क्योंकि हम दिमाग से ही तो सोचते हैं, जब डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया या उन्होंने आपने बताया उन्हें पेट दर्द है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा, अल्टरनेटिव देखेगा कि इसको पेट दर्द किस वजह से हो सकता है, क्या इसको स्टमक एक की वजह से प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इंटेस्टिन्स में प्रॉब्लम है, या किस वजह से इन्होंने गलत खाना खा लिया जिसकी वजह से, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से पेन है, क्या रीज़न हो सकता है। तो वो पहले सारे के सारे जितने भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो उनके ऊपर काम करते हैं। तो इस समय पर डॉक्टर जो होता है वो मेंटल प्रोसेस में होता है, अपने दिमाग से सोच रहा होता है कि क्या पॉसिबल कारण हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करो होम मैनेजमेंट में या घर में, तो उसमें भी क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे घर में प्रॉब्लम आई है तो उसके जो अल्टरनेटिव्स होते हैं हमें वहाँ पर भी सर्च करने चाहिए, देखने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे फैमिली में जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो समझदार लोग हैं, वो इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढने के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अल्टरनेटिव सर्च करने के लिए आप दूसरे जो अदर मेंबर्स हैं फैमिली के, अदर फैमिली मेंबर्स है ना, आप इन सभी की हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपको अगर कोई चार सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं, ठीक है, या आप आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन अगर आप दूसरे और अदर मेंबर्स की मदद लेंगे तो अगर दो दो सॉल्यूशन भी अगर आपको अल्टरनेटिव्स अगर दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 अल्टरनेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगी, और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और उस समस्या को समझने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। थर्ड स्टेप आता है मेकिंग एन इवेलुएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव, ठीक है, अर्थात जो विकल्प है, विकल्प पर विचार विनिमय करना, विचार विनिमय करना, ठीक है।
अर्थात विचार विनिमय मीन्स विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से साझा करना, डिस्कस करना। ठीक है, तो देखिए जब आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं ना, हमें ऑल्टरनेटिव्स मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे उसके ऊपर भी सोच विचार करते हैं कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हम किसको चुनें। कोई अगर ऑल्टरनेटिव हमारे दिमाग में आया है तो वो क्यों आया है, उसके गुण और अवगुण क्या हैं, है ना, इनमें से बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, तो हम इसकी खोज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे जो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आप इन सब के ऊपर बैठ करके आपकी फैमिली के साथ में डिस्कशन करते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव है तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, या इस ऑप्शन से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और इनके नुकसान भी क्या क्या हैं, तो आप इनके प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं, गुण और अवगुण, या इनके लाभ हानि, इनको आप सोच सकते हैं। ठीक है, विचार विमर्श करने से क्या होता है, हमें आइडियाज़ क्लियर होते हैं। ठीक है, लोगों के, दूसरे लोगों के विचार भी हमें पता चलते हैं, हो सकता है कि हम किसी पॉइंट पर लैक करते हों तो वो हमें वहाँ पर पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि विचार विमर्श बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्शन या सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन और सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुकूलतम विकल्प का चयन करना। ठीक है, या चयन कि आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव या बेस्ट ऑप्शन क्या है उसका चयन करना। ठीक है, अब देखिए हमने इसके प्रीवियस वाले स्टेप में क्या किया था कि जो भी हमारे को पॉसिबल ऑप्शंस मिले थे, सॉल्यूशंस या ऑल्टरनेटिव्स मिले थे, उस पर हमने डिस्कस किया, उसके प्रोज ठीक है और कॉन्स पर हमने, दोनों पॉइंट्स पर हमने बात कर ली, तो हमें क्या होता है वहाँ पर पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए उचित है क्या हमारे लिए अनुचित है, आपको उसका आइडिया लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास में अगर 20 उस टाइम पर ऑप्शंस थे या 15 ऑप्शंस थे तो वो काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके काम का ऑप्शन नहीं होता है हम उसको वहीं पर लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये सार्थक विकल्प होता है, उसको लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या अब हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसी के अनुसार हम आगे की तरफ बढ़ने का विचार करते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन या सॉल्यूशन, यह भी एक टाइप का मेंटल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में हम इसमें भी अदर फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद में इसका लास्ट स्टेप आता है, वो आता है हमारा पुटिंग द डिसीशन इनटू इफेक्ट, अर्थात निर्णय की स्वीकृति। ठीक है, निर्णय की स्वीकृति, अर्थात अब इस पॉइंट पर आकर के हमने बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तो अब हम उसको डिसीजन में इंक्लूड कर लेंगे, हम अब उसके ऊपर निर्णय लेंगे। ठीक है, निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है ना, यह आपका इस पांचों स्टेप का लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फाइनल डिसीजन ले चुके होते हैं, अंतिम निर्णय ले चुके होते हैं कि हमें अब यह कार्य करना होता है, करना होगा। ठीक है, वैसे जो ये लास्ट स्टेज पर जब हम आते हैं या ये हम सेलेक्ट करते हैं या डिसीजन पर आते हैं ना, तो जो हमारे घर का जो प्रधान मुखिया होता है, प्रधान मुखिया ठीक है, उसी के द्वारा इस निर्णय को स्वीकृति दी जाती है और लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, तो हमारे, हम क्या करते हैं जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं तो लास्ट जो डिसीजन होता है उसकी अनुमति हमें यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है यह सर्वसहमति से लिया जाना चाहिए। ठीक है, आप
आपके फैमिली का हर एक मेंबर इससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब सभी लोग सेटिस्फाइड होंगे इस डिसीजन से तो यह सबके लिए बहुत ही प्रभावपूर्ण या एक प्रभावशाली निर्णय होगा, ठीक है, जो किस में होगा, सर्व हित में काम करेगा, ठीक है, सभी के हित में यह काम करेगा, ऐसा निर्णय होगा, है ना। तो इस तरीके से हम इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करते हैं या डिसीजन सेलेक्ट करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस स्टेप में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला पॉइंट हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने वापस से 5 स्टेप्स की बात करी है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, कैसे हमें ऑल्टरनेटिव को सर्च करके करना है, उनको कैसे इवेल्युएट करना है और उसमें से कैसे एक बेस्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है और उस पर हमको एक फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पहला मैनेजमेंट प्रोसेस का चरण है या स्टेप है वो पूरा होता है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा होगा प्लानिंग का, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।